नमस्ते दोस्तों, उषा एक आशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है, अखिलेश भैया ने मुझे 5000 रुपये दिए हैं राशन के लिए। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं इस समय लॉकडाउन चल रहा है, सारे जो बाहर काम करते थे दोस्तों घर पे हैं, तो इसमें खाने पीने का दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो देखिए, मैंने ये 5000 रुपये मैंने देखिए क्या क्या लिया हुआ है। तो ये देखिए, मैंने ये 30-30 किलो आटा लिया हुआ है 3 दरे, और ये 6-6 किलो दाल है, और 15-15 किलो चावल। तो सभी चीज़ों को मैं दोस्तों 3 परिवार में मैं दूंगी। तो चलिए, मैं उनके घर चल रही हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगा जरूर हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। तो चलिए, तो दोस्तों मैं जिस दादी के घर आई थी, वो दादी गई थी धान लगाने, तो मैंने उनको बुलवाया हुआ है। देखिए, वहाँ पर आ रही हैं, आएँगी, मैं उसके बाद आप लोगों से मिलवा दूँगी। तो दोस्तों देखिए, आ गई हैं पास में। नमस्ते दादी। नमस्ते। धान लगा के रही हैं भाई, गलते हैं मत। तो दोस्तों, दादी के घर हम आ गए हैं। देखिए, यही इनका मड़ई है, और इसमें देखिए हमने जो सामान लिया है। अभी यहाँ कुल बूढ़े, अभी ये सभी कहते हैं पाते नहीं, कुल बूढ़े देखा तो कुल टोटी लगी हैं। हाँ, तो दोस्तों बरसात का महीना चल रहा है, देखिए नई मड़ई यहाँ पहले दोस्तों मैके में रहती थी, अब यहाँ पे आई हैं ससुराल में, तो नई नई मड़ी है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा पानी का मतलब बरसात चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा खाल है, अब पानी बूढ़ जाएगा, वही बता रही हैं। और कोई परेशानी बता दो के? अब खर्चा नहीं घरे से आवा था, खर्चा नहीं कौनो चीज नहीं घरे से लई आवा था, यहाँ नहीं परेशानी। तो दादी, आपके कमाई वाला के नहीं बा? ए हैं तो घरे हैं बैठा, एक लड़का कमाई वहाँ लेते रहे, कमाई हम के नहीं दे देते हैं, इतने अरे धान गेहूँ काटन नहीं खा देते हैं, तब हमारे माई हैं इन्हों के नहीं खा देते हैं, तब हमारे लगे आई हैं खाते हैं, कहते हैं बिटियन के देवे जौन हो कुछ न देवे, बिया कमन करब जौन हो बिटिया जौन हो कही ले भाई बच्चे तो देवे नहीं न देवे। तो दोस्तों, दादी के मेन परेशानी है दोस्तों कि जो इनके पति थे वो दूसरी शादी कर लिए हैं बहुत पहले, और दादी पहले रहती थी अपने मायके में, अब आई हैं यहाँ पे। दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है, क्योंकि इनके बेटों को जो है थोड़ा सा परेशानी था, एक बेटा इनके हुआ था, तो वही बेटा इनके यहाँ पर है, और इसलिए आए गए हैं अपने बेटे के पास। तो वही बता रही हैं कि बहुत ज़्यादा परेशानी है हमें। तो दादी, आप खाना वाना के लिए कहाँ से मिला था, आपके यहाँ से? मतलब नहीं घरे से आवा था, 2 दिन पर धान दे रहे, 3 दिन पर धान दे रहे, 2 दिन हम आई बेटे आए थे पुआस के रहे, तब 3 दिन पर धान दे रहे, 1 दिन चावल दे रहे, 2 दिन किसान दे रहे, तब कोई बात नहीं घरे से आवा था खा के, नहीं तो हमसे ऐसे पुआस कर। कितना दिन हो गया आए तो के वहाँ से? 2 महीना हो गया ना बहन, 2 महीना हो गया। तो इस समय आप धान और लगावा थे दूसरे का? काली से लगाए लगे, काल उनके गए रहे, आज यहाँ लगावा वैसे यहाँ लकड़ी ले चली गई। तो दोस्तों, जितना राशन पानी होता है मैके से अपने लाते हैं, और जो घट जाता है दोस्तों प्रधान के घर जाते हैं, प्रधान देते हैं, और कंडीशन दोस्तों बिल्कुल नहीं सही है। अगर आप लोग उनका मदद करना चाहते हैं जरूर कर देना, मैं हाथ जोड़ से कह रही हूँ। और देखिए, मैंने इनको जरूर समझा दोस्तों, क्योंकि हमारे घर गए थे, गए रही थी दोस्तों, दादी बहुत रो रही थी कि हमारे पास राशन नहीं है। तो मैं कल ही गई थी दादी, तो कल ही गई थी, मैंने आज लेकर आ गई उनके घर। तब वो बहन अरे कहते हैं कि मारे कहना नहीं बूढ़ जाए, कुल टोटी पानी आए, हम कहा धनवा लगा ली खर्चवा पड़ ली बह, तब नावाई लागी माटी उटी हो वहीं से अखन तो नावत है, कहाँ जाए उधर से नवहन दे अपने खेत उधर से। तो दादी, आप कभी और कौन काम करते हैं कि खाली 2 दिन से काम करते हैं? 2 दिन से भाई ही मरइये में रहे ना, जो गहिया ना आए देने गिया वहाँ दे रहे तो वहाँ छुटवा के यहाँ केहन है। तो दादी, ऐसे में आपके खाना वाना के लिए क्या बाहर का ना आएगा? वही पहचान नहीं घेरे से लगे, वही पहचान बाहर। देखिए दादी, कहाँ पे काका रखे हैं ना आप? है देखा हिया चाव रखी है, देखा पहचान बाहर हमारा चुप जगह ये इतना बाहर। तो दोस्तों देखिए, मड़ई है तो चारों तरफ से मतलब 2 तरफ से खुला हुआ है, तो इसीलिए कोई मतलब जानवर कुत्ता उत्ता जो होता है दोस्तों वो नुकसान ना करे, इसलिए थोड़ा सा टांग कर रखी हुई है। और इनका बेटा जो है एक लोग हमेशा यहाँ मड़ई में रहते हैं देखने के लिए, कोई ख़राब ना कर दे। तो दादी, इतना लकड़ी उकड़ी कहाँ से रखे हैं? नहीं घरे से कुल लगाई है, वहाँ जहाँ 3 से 12 लगा है तो भैया कुल दबाए हैं, नहीं घरे से लगाई है, ये बहू घरे उतरवाए हैं लग जाए के, कुल नहीं घरे से लगाई है, यहाँ ऊपर ही लकड़ी कहाँ देते हैं, गाँव मांगे रहे तो गाँव वाले की गाड़ी देते रहे, प्रधान का किसान लग जाए रहे कहे गाँव वाले की बस जावत है ऊपर ही मांगे रहे गाँव में। तो दोस्तों, अखिलेश भैया ने राशन दे दिया है दादी के लिए, तो मैंने यहाँ पे दे दिया है दोस्तों, इतना काफ़ी दादी का हेल्प हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग हेल्प करते रहिए दादी, इधर सामान अपन रख लें अच्छे से, तब हम चलिए। अब पानी मंगा दे पी ला,
नहीं वहाँ कौ उधर जाएगा है दादी चल फिर नमस्ते। तो दोस्तों हम दूसरे घर आ गए हैं, चलिए मैं दीदी सब लोग को मिला देती हूँ। नमस्ते दीदी। नमस्ते। ये आप सबके बच्चा हैं? हाँ। तीनों जन लड़के तीनों लड़का हैं? हाँ तीन, एक लड़की एक लड़की भी लड़की। कैसे हाल चाल सुलता? ठीक है यार। ठीक है, इनके पापा को काम करा था? काम क्या करती है, फिर मैं भी करती हूँ लगाना करे तो कितना कमा लेते हैं हमें? अरे सौ पचास दिन भर में। खेत तो आपके बाहर खेत है तो कुछ नहीं है। तो कैसे खर्चा हो जाता दीदी? यह 150 में से न्यूनतम बनी बनी मजूरी करते हैं। सास कर जाते हैं। तो आप घर पर बच्चन के लगे देखते हैं? हाँ, घर बच्चन के लगे। तो दोस्तों इनके पति जो है विसारती का सामान बेचते हैं, जो सिंगार का सामान होता है औरतें का, वही बेचने जाते हैं घर घर, साइकिल से जाते हैं ना? साइकिल से जाते हैं। और वही 150 जो काम करते हैं। और दोस्तों इनकी मम्मी है और देखिए तीन बच्चे हैं। तो दोस्तों इनका परिवार जो इसमें है राशन वोशन के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशानी थी, इसलिए मैं इनके घर आई हूँ। और ये देखिए मैंने आटा दाल चावल सब ले आ दिए हैं। तो दोस्तों इसमें इनकी सास नहीं है, मैं उनसे आप लोगों को मिला देती। तो यही है जो बकरी वकरी है और मुर्गी रखी हुई है, तो इसी सब को मतलब देखने के लिए बच्चे देखने घर पे हैं। तो आप काम करने नहीं जाते हैं? नहीं। बच्चे लोग को दोस्तों देखना जरूरी है। तो आपके आटा चावल कुछ घर पे सब कुछ बाहे या समझ किया? समझ से खत्म हो गया। क्या खत्म बाहे या समझ? ना चावल यहाँ नहीं आते हैं, किलो नहीं चावल बने थोड़े एक दो किलो हुए। तो बच्चे लोग कभी भी नहीं रहते तो कैसे कर रहे दीदी? छीटे फाटे सो जाते नहीं टाइम से। तो दोस्तों देखिए इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, कभी कभी दीदी बता रही हैं कि बिना खाए ही सूझ जाते हैं। और जिस दिन नहीं रहता, क्योंकि दो किलो एक किलो दोस्तों आता है, जिस दिन काम करना मतलब धंधा हो जाता है उस दिन लेकर आते हैं, जिस दिन नहीं होता इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी है इस समय। तो उस समय दोस्तों कोई भी मतलब काम नहीं चल रहा था, इस समय तो लग वही चल रही है, धान की लगाई हो रही है। तो इनकी जो सास है वो काम आकर लाएंगे, बच्चे लोग खा लेंगे। दोस्तों थोड़ा अखिलेश भैया ने मदद कर दिया है तो मैं इनको दे दूँगी, काफ़ी इनका हेल्प हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग हेल्प करते रहिए। तो दीदी चल रहे हैं? नमस्ते। चल रहे बेटा? तो दोस्तों जिस दीदी के पास हम आए थे वो दीदी मतलब दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा बीमार हैं और चली गए हैं शायद अपने मैके, और उनका बता रहे हैं इनके मैंने पूछा जिसका ये मशीन है। और दोस्तों उनके पास घर और बिल्कुल नहीं है, ये देखिए दूसरे मशीन पे रहती हैं। ये देखिए पानी उनी में भरता भरने के लिए, ये देखिए खेतों भरा जाता है ना। दोस्तों ये मशीन पे रहती हैं, इसी का देखभाल करती हैं और सिंचाई करने के लिए। तो उनका बेटा है तो इस समय नहीं है दोस्तों, मैं एक घंटे से यहाँ पे इंतजार कर रही हूँ। तो उनके घर पे देखिए उनके मालिक से ये चाबी हमने मांग लिया घर का, इसमें रेशन राशन रख दे दी हूँ। उनके बेटे आएंगे तो मैं आप लोगों को मिलाऊंगी। और उनके मम्मी दोस्तों हैं, उनके पास दोस्तों इसमें बता रहे हैं कि कल मतलब जब दिन से उनकी मम्मी बीमार है तब से उनके पास कुछ भी नहीं है, मांग मांग कर खा रहे हैं। इस समय 10-20 रुपये का दोस्तों काम कर लेते हैं किसी के घर तो खर्चा रहता है। तो बहुत ज़्यादा इनके घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, दोस्तों मैं रख दे रही हूँ घर में। तो दोस्तों यहीं खाना बनाते हैं और इस तरफ देखिए थोड़ा सा बर्तन वर्तन रखे हैं चरपाई। तो इनकी मम्मी दोस्तों घर में लेबराना जो करते हैं ईट उट देती हैं वही वाला काम करती हैं। मैं काफ़ी दिन से दोस्तों उनका मदद करना चाहती थी तो मैं आज राशन लेकर आई थी आप लोगों से मिलवाती, फिर शायद इस समय बहुत ज़्यादा उन बीमार हैं घर पर चले गए हैं अपने मैके, हमने आप लोगों से बताया है तो रख देती हूँ यहीं पर। तो चल रहे हैं दोस्तों, अब शाम हो जाएगी, हम आज नहीं उनसे मिल पाएंगे, कल आएंगे। तो आज हम दोबारा आ गए हैं, चलिए मैं देख लेती हूँ, सुबह का 5:30 बज रहा है अभी। ताला तो खुला है, शायद अभी सो रहे हैं। खोलो भैया कबाड़ी। कल आप लिए राशन लेके आए रहे, आप नहीं रहे घरे पे। जरा मम्मी तार कैसे हैं? बताओ मम्मी कैसे हैं?
ओनाइस भी सही तबीयत पानी दवाई वाई होता है शिकायत नहीं है ना उसका अब ना ठिकात है नहीं तो ठिकात नहीं है आराम नहीं लगता थोड़ा बहुत लगता है थोड़ा बहुत लगता फोन ओन आए रहा कितना दिन हो गया देखे मम्मी के पाँच छः दिन अब हुआ है पाँच छः दिन हो गया आए तो के फिर जाबा इच्छा दस दिन में ये भी बीते था ये घर के कर हाँ बिजली की मशीन में भी बिजली की मशीन हो हाँ। तोरे घर बाकी नहीं नहीं ना तो कौन कौन काम हम कर रहे थे हाँ काम मिला तो काम होता कौन काम कर रहे थे ये लेबराना मोटो काम हाँ। काम पाई जा सक नहीं हाँ काम मिला तो काम करी था काम अमित करत रही हाँ। उन्हें मिले आए रहे पर पता चले कि कल चले गए हैं अपने मायके हाँ तो खाना वाना के लिए तो व्यवस्था बाहर की नहीं व्यवस्था कहाँ रहा नहीं रहा नहीं। तो कैसे बनाओ खात रहा थोड़ा बहुत रहा खरीद खवात रहा दोस्तों इन्हीं भाई के घर में आई थी कल और आप लोगों से बताया कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है दोस्तों मैं इनको राशन पानी राशन वासन जो है दे दिया था कल ही तो भैया आपके लिए राशन लाए थे आप देखें खोलकर अबे नहीं देखे कल कुछ बनाए रहे हाँ क्या बनाए रहे रोटी बनाए रहे सब्जी रोटी बनाए रहे हाँ। तो मैं दाल ले आई चावल और हाँ तो आप बनाए कुछ खा लें मम्मी फोन करके बता दें कि टेंशन मत लेंगी आप आराम से हैं हाँ हाँ तो दोस्तों की मम्मी इनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में रहती है और काम वैसे बता तो रहे मैं कर लेता हूँ पर अच्छे से काम नहीं कर पाते आप लोग देख नहीं सकते हैं इनका मतलब ये सांस भी बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता एक हाथ से थोड़ा बहुत दिखाई पड़ता है हाँ। तो दोस्तों ज़्यादा काम नहीं कर पाते कोई रखता भी नहीं इसलिए इनकी मम्मी सारा काम करती थी वही पैसे वाला और इसलिए मैं बीमार है दोस्तों बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगी कि मेरा बेटा कैसे होगा तो इसलिए मैं कह रही हूँ फ़ोन करके उनको बता दीजिएगा कि मैं ठीक से हूँ आप टेंशन ना लें हाँ हाँ तो बता देना ना ठीक है बता आपका राशन वोशन लिया है आपके कुछ हेल्प हुआ खुश है हाँ खुश है तो भैया आपके अखिलेश भैया इतना राशन वोशन दिए उनके लिए कुछ बोले हैं थैंक यू बोल दें थैंक यू भाई उनके लिए हम खुशी है लिया है भैया तो दोस्तों मैं भी अखिलेश भैया को दिल से धन्यवाद देती हूँ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया दोस्तों मैं ऐसे ऐसे परिवार के दिन हूँ जिनके पास बिल्कुल राशन नहीं था हाँ। और ऐसे ही आप लोग उषा एक आशा चैनल को मदद करते रहिएगा मैं थोड़ा बहुत मदद करना चाहती हूँ इन लोगों का चलो थैंक यू भाई मदद कर सही तब चलते भैया चलो अपने मम्मी से बताए थे हाँ, मम्मी से बोल दे भाई चलो वहाँ फोन लगाओ तो दोस्तों अगर आप लोग दोबारा मदद करेंगे तो मैं फिर आऊँगी इनके घर इनके थोड़ा सा राशन पासन की दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरत है थोड़ा सा अभी तो चलेगा उसके बाद आप लोग मदद करिएगा मैं फिर आऊँगी इनको देने चलो सही Thank you.